फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगेन एक कंपैरिजन वीडियो है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एम कैफी नेकेड एंड रॉ कॉफी फेस स्क्रब एंड गुड वाइब्स चोको कॉफी ग्लो स्क्रब का कंपैरिजन वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन दोनों फेस स्क्रब में क्या डिफरेंस है और मुझे इन दोनों स्क्रब में से कौन सा स्क्रब पसंद है। पर फ्रेंड्स, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम फटाफट से कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एम कैफीन का जो फेस स्क्रब है वो ट्यूब पैकेजिंग में आता है और गुड वाइब्स का फेस स्क्रब जार पैकेजिंग में आता है। एम कैफीन का जो प्राइस है वो है 349 रुपीज़। 349 रुपीज़ में आपको 100 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी सेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स। गुड वाइब्स का जो चोको कॉफी स्क्रब है इसका प्राइस है 215 रुपीज़। 215 रुपीज़ में आपको 50 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है और इसकी सेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। एम कैफीन का जो फेस स्क्रब है वो नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है और गुड वाइब्स का जो फेस स्क्रब है वो सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। एम कैफीन का जो फेस स्क्रब है इसके मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी एंड विटामिन ई और गुड वाइब्स का जो फेस स्क्रब है इसके मेन इंग्रेडिएंट है चॉकलेट एंड कॉफ़ी। दोनों ही प्रोडक्ट आपके पैराबिन एंड क्रुअल्टी फ्री हैं और मैन एंड वीमेन बोथ के लिए सूटेबल है। चलिए अब मैं आपको इनका टेक्सचर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एम कैफीन का टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस टाइप का है। इसका टेक्सचर क्रीमी है और इसमें जो बीड्स हैं वो स्मॉल है और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो कॉफ़ी फ्रेगरेंस है, बट बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है और इसके जो बीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। चलिए मैं आपको गुड वाइब्स का टेक्सचर दिखाती हूँ। इसका जो कलर है वो कुछ इस टाइप का है। इसकी फ्रेग्रेंस चॉकलेट फ्रेग्रेंस है और इसके जो बीड्स है वो मुझे एम कैफीन के बीड्स से स्मॉल लगे और इसका जो टेक्सचर है वो मुझे ज़्यादा क्रीमी लगा और कलर में भी डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये एम कैफीन का फेस स्क्रब है और ये है गुड वाइब्स का फेस स्क्रब। दोनों के कलर में जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ये दोनों फेस स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इन दोनों के रिजल्ट में क्या डिफरेंस है। अब मैं अपने हाफ फेस पर गुड वाइब्स फेस स्क्रब अप्लाई करूंगी और हाफ फेस पर मैं यूज़ करूंगी एम कैफीन का कॉफ़ी फेस स्क्रब। आपको इन दोनों स्क्रब से 2 मिनट तक हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करनी है। एम कैफीन के मेन इंग्रेडिएंट हैं कॉफ़ी एंड विटामिन ई। कॉफ़ी हमारी स्किन को डीप क्लीन करती है, हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती है, हमारी स्किन पे जो स्किन इम्प्योरिटीज़, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स होती हैं, उनको रिमूव करती है, स्किन से टैन को रिमूव करते हैं, हमारे फेस पे जो एक्सेस ऑयल होता है उसको कंट्रोल करके एक्ने को प्रिवेंट करती है, हमें रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है और हमारे फेस को नेचुरली ब्राइट एंड ग्लोइंग बनाती है। और इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे फेस पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको रिड्यूस करता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। और गुड वाइब्स के मेन इंग्रेडिएंट है कॉफ़ी एंड चॉकलेट। कॉफ़ी के बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए। चॉकलेट हमारी स्किन से ड्राइनेस को दूर करता है और हमारी स्किन पर एक ग्लो लेके आता है। आपको 2 मिनट तक हल्के हाथ से स्क्रबिंग करने के बाद अपने फेस को प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन अच्छी खासी ग्लो कर रही है। इस साइड मैंने एम कैफीन फेस स्क्रब यूज़ किया था और इस साइड मैंने गुड वाइब्स फेस स्क्रब यूज़ किया था। जिधर गुड वाइब्स यूज़ किया था वो साइड आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ग्लो कर रही है और ये साइड मुझे ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील हो रही है। एम कैफीन और गुड वाइब्स फेस स्क्रब दोनों के ही रिजल्ट अच्छे हैं, बट मुझे गुड वाइब्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगे। आप देख सकते हैं कि गुड वाइब्स जिधर यूज़ किया था वो साइड ज़्यादा ग्लो कर रही है और मुझे ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सफल फील हो रही है। इन दोनों प्रोडक्ट में मुझे गुड वाइब्स के रिजल्ट ज़्यादा अच्छे लगे हैं। एम कैफीन का जो फेस स्क्रब है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है और ये सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। एम कैफीन की जो फ्रेग्रेंस है मुझे उससे ज़्यादा बेटर गुड वाइब्स की फ्रेग्रेंस लगी, मुझे इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा पसंद है। एम कैफीन की जो सेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है और इसकी 3 ईयर्स है। आप इसको 3 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं, 1 ईयर इसकी ज़्यादा है। एम कैफीन का प्राइस 349 रुपीज़ है और इसका प्राइस है 215। ये आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट फ्रेंड्स गुड वाइब्स पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिनिमम आपको 30% तक
डिस्काउंट मिल जाएगा गुड वाइब्स पे, तो ये कोई इशू नहीं रहता कि एक्सपेंसिव है, बट रिजल्ट इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये इसका जो टेक्सचर है वो एम कैफिन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, और इसके जो बीड्स है वो एम कैफिन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जेंटल है। एम कैफिन से आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन हो सकती है, मुझे होती है, बट गुड वाइब से ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। जब गुड वाइब से हम स्क्रबिंग करते हैं तो हम स्क्रबिंग को इन्जॉय करते हैं। सो मुझे इन दोनों प्रोडक्ट में से गुड वाइब्स का ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि एम कैफिन के रिजल्ट अच्छे नहीं है, रिजल्ट अच्छे हैं, बट गुड वाइब्स के ज़्यादा अच्छे हैं। आप इन दोनों फेस स्क्रब में से कोई भी स्क्रब परचेज कर सकते हैं। मैंने दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। बट मुझे गुड वाइब्स का जो फेस स्क्रब है वो ज़्यादा अच्छा लगा है, इसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको गुड वाइब्स का ही फेस स्क्रब परचेज करना चाहिए। इससे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती है, इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है और बीट्स बहुत ही ज़्यादा जेंटल है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपने मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।